हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कलर फोटो को हम कई प्रकार से ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर हम कई तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी फोटो खोल लेते हैं, जैसे हम ये फोटो खोल लेते हैं। इसको सबसे पहले इस टूल के अंदर जाएंगे और इसको इतना इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाए रखना है और इसको पूरा तरीके से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और फेदर इसका हम 100 रखेंगे और ओके करेंगे। फिर वापस क्लिक करेंगे, फेदर इसका 100 वापस कर देंगे और ओके करेंगे। अब हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम नई फाइल के अंदर जाएंगे, जैसे हमने यहाँ से इंचेस के अंदर 10x8 की फाइल ले लेंगे। रेजोल्यूशन इसका हम 300 रखेंगे। अब इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी दबाएंगे। अब इसका सबसे सिंपल तरीका कंट्रोल शिफ्ट और यू करेंगे, या आप इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट पर क्लिक करके यहाँ से आप डिसेचुरेट कर सकते हैं इस तरह से, या इसको कोई भी बैकग्राउंड के अंदर आप मिक्स कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये बैकग्राउंड है, इसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, F7 दबाएंगे, इससे ये टूल आ जाएगा और इसको नॉर्मल के बजाय हम ल्यूमिनसिटी कर देंगे। इस तरह से ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी कलर हम देंगे वो कलर इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से कलर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम ये कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब शिफ्ट और बैकस्पेस दबाएंगे और यहाँ से इस कलर को भरेंगे, ओके करेंगे, तो ये कलर इसके ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे, यहाँ से आप कोई और कलर, जैसे हम ये कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके करेंगे, शिफ्ट और बैकस्पेस दबाएंगे, ओके करेंगे और तो ये कलर इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे और कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, यानी इसकी हम लेयर बना लेंगे। अब लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले। अब यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट का कलर देंगे वो भी इसके ऊपर फिल हो जाएगा। यहाँ से कोई भी आप ग्रेडियंट का कलर देंगे वो इस इमेज के अंदर फिल हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से आप कोई भी इफेक्ट बना सकते हो। जैसे भी आप कोई भी ग्रेडियंट पर आप क्लिक करोगे इस तरह से, ये कलर सारे कलर इसके ऊपर फिल हो जाएंगे। यहाँ से इसको ओके करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी इसके अंदर इस तरह से इफेक्ट दे सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।